145 अपक्ष उम्मीदवार विधायक गीता जैन द्वारा आज मीरा भंजर शहर एसके स्टोन के ग्राउंड में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां पे हजारों की संख्या में मीरा भंजर शहर के आम नागरिक उपस्थित थे। मैं आपको बता दूं कि जिस मंच पे इस समय खड़ा हूं, इस संबंध से अपक्ष उम्मीदवार विधायक गीता जैन ने दहाड़ लगाते हुए जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले शहर में मीरा भंजर की जो भी समस्या है उसे हम जरूर दूर करेंगे। और साथ साथ एक कहावत आपने सुना होगा, एक नारी सब पे भारी, ये कहावत सटीक बैठता है विधायक गीता जैन के ऊपर। जिस तरह से उनके ऊपर हिंदू शेरनी का तमगा लगा है, उसी अंदाज में इस मंच से उन्होंने जोरदार भाषण देते हुए विरोधियों को जमकर हमला किया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, एक वादा किया है कि जब वो विधायक बन के आएंगे तो वो या पूरे महाराष्ट्र में लव जिहाद का कानून लाने के लिए पूरा प्रयत्नशील रहेंगे और बार बार विधानसभा में ये आवाज उठाएंगे कि महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून होना ही चाहिए। चलिए बात करते हैं अपक्ष उम्मीदवार विधायक गीता जैन से, उन्होंने हमसे बात करते हुए और क्या जानकारी दी। देखिए, विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं और उन्हें मेरी जीत साफ दिखाई दे रही है और इसलिए वो अब और कुछ ना कुछ नया नया करने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज एक नया लेटर लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरे मंच पे सभी मंडलों के संघों के प्रमुख बैठे थे, तो लेटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उनका यहाँ आके मुझे समर्थन देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तय कर रहे हैं और इसीलिए और पसीने छूटे हैं। दूसरा, बार बार ये लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे, कटोगे बटोगे लूटोगे। अरे बाबा, आप अगर कट गए बट गए, मैं तो हमेशा से आह्वान करती हूँ कि 2019 में जितने भी लोगों ने ये गलती की थी, 65,000 लोगों ने अपनी छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग उनको हो गई थी, भ्रम हो गया था और उन्होंने पार्टी के प्रेम में, उनको नहीं मिला था वो, पार्टी के प्रेम में दिए गए वोट जो उनको मिले थे, मैंने उनसे अपील की कि आपकी बार वो गलती ना करें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा है कि जब जब कोई मजबूरी में पार्टी गलत कैंडिडेट को चुनती है तो जनता का फर्ज ये होता है कि पार्टी की गलती को सुधारे, और वही अपील मैं आज आप सबसे करना चाहती हूँ कि भले ही पार्टी ने गलत कैंडिडेट को चुन लिया हो, आप असली भाजपाई को जरूर चुने। मैडम, उनका कहना है कि गीता भरत जैन को अगर वोट देते हैं तो वोट मुजफ्फरपुर जाएगा, तो क्या है इसका? 2019 में तो नहीं गए, ये भ्रम है, मैंने कहा ना वो डर गए हैं, तो किसी न किसी तरह वो चाहते हैं कि लोगों को भ्रमित करें और हमारी भोली जनता भ्रमित हो जाती है कभी कभी, लेकिन आज मैंने उनको समझा दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2019 में भी यही स्थिति थी, तो 2019 में गीता जैन को चुन के आपने भेजा था, 2024 में कुछ और नहीं होने वाला। 2024 में भी जिस व्यक्ति को 2019 में लोगों ने नकारा था, लोगों ने दोनों को नकारा था, और वही स्थिति आज भी बनी हुई है, लोगों ने दोनों को नकारा है, और मैं बहुत बड़े कहा है कि हिंदू शेरनी अपने आप को कहती है, इन्हें जंगल में जाना चाहिए, क्या जवाब देंगे आप? जब भेड़िए शहर में आ जाते हैं तो शेरनी का काम होता है कि उन भेड़ियों को खत्म करने के लिए वो भी शहर में आए, और इसीलिए मैं आई हूँ। नयानगर में ले जा रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, और उन्हें उनकी मंशा है कि मैं हिंदू परिवार में क्यों नहीं पैदा हुआ। देखिए कैसा है कि ऐसा उन्हें सिर्फ और सिर्फ 4.5 साल बाद लगता है, जब जब उन्हें हिंदू के वोटों की जरूरत होती है, वो भ्रमित करते हैं लोगों को कि आइए मैं भी तो हिंदू ही हूँ, मैं भी हिंदुत्व को मानता हूँ, तो मानता हूँ तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं उस समय उतरे हमारे ध्वज की रक्षा करने के लिए। आज जिस ध्वज को वो फहरा रहे हैं गर्व के साथ, 22 तारीख को उसका अपमान किया जा रहा था, हमारे बहनों का अपमान किया जा रहा था, हमारे धर्म का अपमान किया जा रहा था, तब वो कहाँ छुपे हुए थे? मैं दोनों को पूछती हूँ। दूसरे भी थोड़े दिन बाद बाहर आए, बिल से बाहर आए, थोड़ा सा डर कम हुआ कि शेरनी ने काफी कुछ कंट्रोल में कर लिया है, तब ये गीदड़ वापस बाहर आके कहते हैं कि हम अमन शांति यात्रा करेंगे।
तो मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई जब जरूरत शहर को पड़ती है तब यही गीता जैन सड़कों पे उतरती है, चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे हमारे सनातन धर्म की रक्षा का बात हो, काम तो गीता जैन ही करती है। और उत्तन के दरगाह के बारे में क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए, उत्तन के दरगाह में आपको पता है कि वहाँ बार बार पकड़ा गया है, उस वहाँ सुरक्षा के लिए हमारे खतरा है। वहाँ हमारे NIA की रिपोर्ट है कि ये दरगाह बहुत खतरे से खाली नहीं है और वो इलीगल है। मुझे किसी धार्मिक स्थलों से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे वहाँ होने वाले गलत कामों से परहेज है, विरोध है, और वही मैं दर्शाना चाहती हूँ कि धार्मिक स्थलों को धर्म के लिए यूज करें, हमारी बच्चियों को बरगलाने के लिए नहीं, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर निकाह करने के लिए नहीं, उन्हें भगा के ऐसी जिंदगी देने के लिए नहीं कि उनके टुकड़े उनके माँ बाप के हाथ में आए, और इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए आज मैंने 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर ये वचन दिया है सकल हिंदू समाज को कि मैं ये कायदा महाराष्ट्र में भी जरूर लाऊंगी, जरूर पढ़ी, मैं योगी जी के पास बार बार जाऊंगी कि हमें प्रेरणा करे कि आपने जो ये कायदा लव जिहाद का कायदा वहाँ UP में लाया है, हमारे महाराष्ट्र में इसकी बहुत ज़रूरत है। हमारी सिर्फ मीरा रोड से 36 बेटियों पे ये अत्याचार हो गया है, और एक ही साल में, अभी इतने सालों का रिकॉर्ड मैंने नहीं देखा, ये एक साल का रिकॉर्ड मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे भी मदद कीजिए हमारी बेटियों को बचाने के लिए, और इसीलिए आज मैंने स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया है कि बेटियों के रक्षा के लिए, उनको ये लव जिहाद से बचाने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री आते हैं, उनका कहना है कि भारी बहुमतों से कमर पे बटन दबाइए, लेकिन आपको यहाँ के कुछ नेता कहते हैं कि आप भाजपा ही नहीं हो, डुप्लीकेट भाजपा ही हो, आपको भाजपा का सहारा लेना पड़ता है जीतने के लिए। देखिए, भाजपा ने मेरा सहारा 5 साल लिया है, समर्थन 24 घंटों में, वापस सरकार बनाने के लिए गुवाहाटी भेज के, जब जब जरूरत पड़ी परिषद राज्यसभा तब तब उन्होंने मेरी मदद ली है। तो असली भाजपाई जो बिना शर्त हर बार अपनी पार्टी के पास खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के हर जरूरत पर मैं अवेलेबल रही हूँ, तो असली भाजपाई मैं हूँ। या लोकसभा में जो इस्तीफे का नाटक दे के पार्टी पे दबाव ला रहे थे, मोदी जी के दिए हुए कैंडिडेट को अस्वीकार कर रहे थे, वो असली भाजपाई है या हर हमेशा पार्टी के लिए खड़ी रहने वाली ये गीता जैन असली भाजपाई है, ये मैं पूछना चाहती हूँ लोगों से। Okay, जितने मंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? एक व्यक्ति को जिताने आ रहे हैं और आप अकेले यहाँ पे मैदान में डटी हुई है। देखिए, उन सभी का आदर है, इस शहर में मैं सभी का आदर करती हूँ। हम राजू ठाकुर है और मीरा भाईंदर के युवाओं की तरफ से कहना चाहता हूँ कि सभी युवाओं को मैडम का एक साथ में साथ देना है। मैं उत्तर भारतीय से बिलोंग करता हूँ और सारे उत्तर भारतीय मीरा भाईंदर के, आप देखेंगे तो मैडम का सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे गुंडे इधर उधर लोगों को धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। याद रखिए, सच्चाई छुपने वाली नहीं, सच्चाई डरने वाली नहीं। आपको एक दिन 23 तारीख को हमने गाँव का टिकट निकाल के गाँव न भेज दिया तो हमारा नाम हमारा राजू ठाकुर नहीं और हम उत्तर भारतीय के सुपुत्र नहीं। और युवाओं की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ आपको कि जिस तरह से आपने धोखाधड़ी करके ये सीट, आपको क्या लग रहा है कमल लेने से आप जीत जाएंगे? ये कमल यहाँ होना चाहिए, कमल का फूल देख के नहीं। आज हम बैट्समैन को कमल मानते हैं और हमारे जैसे 200 कार्यकर्ताओं ने आज राजीनामा दिया है, और ये राजीनामा इसलिए नहीं है, इसलिए है क्योंकि आपको टिकट दिया गया है। और आगे चल के मैं आपको बता दूं कि आप टिकट तो ले आए हैं, जीत कहाँ से ले आएंगे? इतने बड़े लोगों को तो ले आए हैं, वोट कहाँ से ले आएंगे? और वोट लेने के लिए कार्यकर्ताओं के दिल में जगह बनानी पड़ती है।